अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपको ज़बरदस्त सा टमाटर का फेशियल स्क्रब या फेशियल कह लें ज़बरदस्त सा बताऊंगी। तो उससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस, ये टमाटो है और ये लाइकोपेन से भरपूर होता है और जो स्किन को ब्राइट वाइट कर देता है, स्किन को रंग साफ करता है, पोर्स को टाइट करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उन्हें भी ख़त्म करता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है कि एक टमाटर लेके, यानी कि टमाटो लेके इस तरह से इसके दो पीस कर लेने हैं और इस तरह से को मैं आपको बताऊंगी इस पर क्या ऐड करना है। तो बस एक पीस हम टमाटर का इस तरह से ले कर उस पर बारीक पीसी हुई, मतलब थोड़ी मोटी, ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरी से चीनी ले कर इस तरह डालेंगे और इस पे ऐड करेंगे हम एक चीज़ जो शुगर होती है वो एक्सफोलिएट करती है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है। अब इस पे हम ऐड करेंगे हनी को। हनी मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है और हाइड्रेट रखता है। इस तरह से हम हनी का तकरीबन हाफ़ स्पून जितना टमाटर के चीनी वाले जो हमने स्लाइस बनाए इस पे रख लेंगे और इसको रब करेंगे हम स्किन पे। ये बहुत ही ज़्यादा स्किन को ब्राइट करता है, एक्सफोलिएट करता है। इस तरह से हम इसका मसाज करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और दूसरे पीस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। इस तरह से हम अच्छी तरीके से इसका 5 मिनट तक स्किन पे मसाज करेंगे और जहाँ डार्क हिस्से होते हैं ना स्किन पे, पिगमेंटेशन होती है, उस पर भी अच्छी तरह मसाज करें ताकि जो डार्क हिस्से हैं वो क्लीन क्लियर हो जाए। इस तरह से हम मसाज करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मसाज करना है तकरीबन, ये स्किन पे से मैल और दाग धब्बे वगैरह साफ़ करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा और ग्लोइंग बनाएगा। इस तरह से हमने इसका मसाज करना है। तो बस 3 से 4 मिनट हमने मसाज करके इसको सादे पानी से धो देना है। फिर हम इस जो हमारा हाफ पीस टमाटो का बचा हुआ है, अब इसमें हम पैक बनाएंगे ताकि ये ज़बरदस्त हमारा जो ब्राइटनिंग और वाइटनिंग मज़ीद बढ़ जाए फेस की। इस तरह फेस पे भी लगा सकते हैं आप, हैंड और फूड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको हाथ धो के बताती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसने रंग साफ़ किया काफ़ी। और अब मैं इसमें दूसरा हम बनाएंगे जो पीस बचा है हमारे पास, इसमें हम ऐड करेंगे कस्तूरी हल्दी को। हल्दी जो है रंग साफ़ करती है और जो एंटीबैक्टीरियल भी होती है। इस तरह से हमने सारे टमाटर पे इसको, आप चाहें अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो घर की सादा हल्दी भी डाल सकते हैं, 1 पिंच डालिएगा क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसमें तकरीबन 1.5 पिंच हमने हल्दी डाल दी है कस्तूरी। अब इसमें हम थोड़े से लेमन के ड्रॉप्स ऐड करेंगे। लेमन जो होता है टैनिंग को भी ख़त्म करता है और स्किन को ब्राइट करता है और विटामिन सी से भरपूर होता है, रंग भी साफ़ करता है, ब्राइट करता है। तो हम इसमें तकरीबन चंद ड्रॉप्स लेमन के भी ऐड करेंगे और तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना हम इसमें हनी को ऐड करेंगे। इस तरह से हनी हाइड्रेट रखने में बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है। और इस तरह से हम लेके इसको मसाज कर लेंगे, ठीक है। ये इसको अच्छी तरीके से हमने मलना है ताकि हमारा जो स्किन है ब्राइट हो जाए और ओपन पोर्स जो हैं वो भी क्लोज़ हो जाए। इस तरह से हम लेके अच्छी तरीके से खूब मसाज करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट इस तरह इसका मसाज करना है और इसको इसी तरह लगा रहने देना है, ठीक है। इस तरह से इसको लगा रहने देंगे हम 15 मिनट और इसको हम सादे पानी से वॉश कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, ब्राइट करेगा, वाइट करेगा। इसे हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्किन को टाइट करेगा। जो होता है टोमेटो बहुत ही अच्छा होता है स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट करने में। टोमेटो फेशियल है ये एक तरह से, और ये बहुत ही अच्छा स्किन को ब्राइट कर देगा और टैनिंग भी ख़त्म कर देगा। ये देख सकते हैं कि रंग कितना साफ़ कर रहा है ये अभी से ही, इस तरह इस स्किन में और इस स्किन में डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो हम अच्छी तरह इसका मसाज करेंगे। तो गाइस, 15 मिनट बाद इसे वॉश करके आप कोई मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं और अगर चाहें तो फ्रीज़र में हाफ टमाटर
बर्फ़ का जो होता है वो भी मसाज कर सकते हैं, जिससे अब स्किन और भी टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।